बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो वेबसाइट बनाकर ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, SEO क्या होता है, यानी कि क्या क्या स्टेप हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकेंगे बहुत अच्छा खासा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके भी मन में है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जवाब मिल जाएगा और आप भी अपना एक ब्लॉगिंग का करियर शुरू करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो, अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो बहुत बड़ी जानकारी आप छोड़ देंगे जिसके कारण आगे हो सकता है आपको दिक्कत हो। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी वीडियोज़ के रेगुलर देख पाएँ। देखिए, ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए एक बेहतर करियर हो सकता है जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं घर बैठे, लेकिन काम करना चाहते हैं और घर बैठे ही उनको पैसे कमाना है, तो ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है उन लोगों के लिए। चलिए फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, आप इसको फ़ोन की मदद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं तो अपने दोस्त से अगर है आपके दोस्त के आसपास में वहाँ से भी आप मांग सकते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाके बना सकते हैं वेबसाइट। कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग, जिसके ऊपर आपका वेबसाइट होस्ट होगा, और डोमेन नेम आपका वो होगा जिसको सर्च करने पर आपका वेबसाइट पर लोग पहुंचेगा। तो ये दोनों आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 3,000 से 4,000 के अंदर डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर से लेते हैं तो आपको 3,500 के अंदर ये दोनों मिल जाएगा, उनका जो बेसिक प्लान रहता है। डोमेन होस्टिंग लेने के लिए आप YouTube पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं कैसे डोमेन होस्टिंग लेते हैं वो देख सकते हैं। अब अगर खुद से आप वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर कुछ क्लिक में आप वेबसाइट अपना बना सकते हैं। जिसको अगर आपको वो भी नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं तो आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, आप 15 से 20 मिनट के अंदर अपना एक वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास 3,000 से 4,000 रुपये भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो blogger.com पर अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री है। हाँ, अगर आप चाहें तो अपना एक परफेक्ट डोमेन नेम ले सकते हैं, नहीं तो आपको क्या होगा कि डोमेन नेम के बगल में blogspot.com ऐसा लिखा आएगा। अगर आप एक डोमेन नेम सिर्फ ले लेते हैं तो आप यहाँ पर बाकी होस्टिंग वगैरह फ्री आपको मिल जाएगा blogger.com पर, तो इस पर भी अपना एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये तक का खर्च आएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो blogger.com से भी आप आसानी से शुरू कर सकते हैं अपना वेबसाइट। आपका वेबसाइट रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि आपको ये चूज़ करना है कि किस लैंग्वेज में मैं आर्टिकल लिखूँगा। आप जिस भी लैंग्वेज में परफेक्ट हो उसी लैंग्वेज में आपको आर्टिकल लिखना है, यानी कि जो कंटेंट रहेगा वो लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी में ना लिखें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश में ना लिखें, अगर आपको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती है, आपको बंगाली आती है तो आप बंगाली में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको उड़िया आता है तो आप उड़िया से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको गुजराती आता है तो आप गुजराती से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर लेते हैं कि इस लैंग्वेज में मैं लिखूंगा आर्टिकल, तो यहाँ पर आपको एक नीच चूज़ करना है कि किस नीच में मैं रहकर आर्टिकल लिखूंगा, किस नीच में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट से बाहर आप ना जाएं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसी चीज़ में अगर आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे। अब ये नीच क्या होता है, तो नीच एक कैटेगरी होता है, जैसे आप बिजनेस के ऊपर लिख सकते हैं, आप टेक के ऊपर लिख सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल के ऊपर लिख सकते हैं। आप आर्टिकल लिखने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ऐसा आर्टिकल लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है, तो कीवर्ड रिसर्च करना है, उसके बाद ही आप कंटेंट लिखें, ठीक है। अब जो भी आप कीवर्ड रिसर्च किए हैं उसके बारे में आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर अलग अलग आर्टिकल में जाके अलग अलग वीडियो देख के, यानी कि आपको रिसर्च करना है अच्छे से, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखें अपना फुल रिसर्च करें।
जो भी आर्टिकल आप लिखें वो 1000 वर्ड का होना ही चाहिए, ठीक है। उससे कम अगर रहेगा तो जल्दी वो रैंक नहीं करेगा, ज़्यादा लोग उस पर आएंगे नहीं। इसलिए आपको 1000 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है और डेली आप 1 या 2 आर्टिकल पोस्ट करें अपने वेबसाइट पर। शुरुआत में आप 1 आर्टिकल डेली पोस्ट करें, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद आप 2 आर्टिकल डेली पोस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके वेबसाइट पर आर्टिकल जाएगा उतना जल्दी आपका वेबसाइट से पैसे आना स्टार्ट होगा। आर्टिकल लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि उसमें प्रॉपर SEO हो। अगर SEO आप नहीं करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा, जिससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे आपके आर्टिकल में और फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखना है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करना है आपको प्रॉपर। इसको कैसे सीख सकते हैं तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप अगर अभी आपको जानना है तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि वेबसाइट से हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप डेली आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं लिख कर, तो इससे कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जब आप 50-60 आर्टिकल आपके वेबसाइट पर हो जाएं, तब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा कि वेबसाइट मोनिटाइज हो जाएगा। अब वहाँ से जितने भी सारे वहाँ पर ऐड दिखाए जाएंगे उससे आपको पैसे मिलेंगे सीधे आपके बैंक अकाउंट। दूसरा तरीका है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के बारे में आपने आर्टिकल लिखा, उस प्रोडक्ट का लिंक आपने अपने आर्टिकल में दे दिया, ठीक है, एफिलिएट लिंक, उससे अगर कोई क्लिक करता है तो आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपके पास आएंगी बाद में, जब आपका थोड़ा सा साइट जो है बड़ा हो जाएगा, वो बोलेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में, मेरे सर्विस के बारे में आप एक आर्टिकल लिखिए, जिसके बदले में मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये होता है स्पॉन्सरशिप। इसके माध्यम से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 2 आर्टिकल दिन का पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से 30,000 से 40,000, 50,000 तक आसानी से कमा सकते हैं आप महीने का। जितने ज़्यादा ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आएंगे उतना ज़्यादा आपका कमाई यहाँ पर होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी ऑनलाइन घर बैठे ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर मैं इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। और हां दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया है कि आप कैसे शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पर दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए। और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आप कैसे ऐप डेवलपमेंट से पैसा कमा सकते हैं, उसमें कैसे आप करियर बना सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर दे दूंगा, उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।